Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. Hi guys, welcome back to the channel. मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ सोना और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच ट्राई किया है. होप यू लाइक इट. आपको याद होगा कि 2018 में हम लोग गए थे रोड ट्रिप पे राजगीर. वी स्टेड इन राजगीर फॉर 2 डेज और हमने काफी जगह को एक्सप्लोर किया था और आप लोगों ने उस वीडियो को भी बहुत पसंद किया. हमारा जो पिछला राजगीर व्लॉग था उसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, जैसे कि हमें कितने घंटे लगे, हमारा बजट क्या था, ये सारी चीजें एक दिन में कवर हो सकती है. तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ क्रिस्पर वर्जन ऑफ आवर राजगीर व्लॉग एंड आंसर दोस क्वेश्चंस. हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकले थे एंड वी टुक द NH30 रूट टू रीच राजगीर जो बख्तियारपुर होकर जाता है. इट इज अ 4-लेन हाईवे जो कि बहुत ही वेल मेंटेन है और उसके बाद हमने लिया NH20 राजगीर पहुंचने के लिए. हम लोग दोनों अपने घर से बहुत सवेरे निकले थे, दोनों में से किसी ने भी चाय नहीं पिया था तो हम लोग रुके ममता मोटेल पे चाय पीने के लिए. ये मोटेल आपको बख्तियारपुर पहुंचने के लगभग 5 किलोमीटर पहले मिलेगा. हम लोग ठंड के मौसम में बहुत सवेरे निकले थे तो उस वक्त कोई भी ढाबा या मोटेल खुला हुआ नहीं था. अगर आप भी ठंड के टाइम पर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने साथ कुछ स्नैक आइटम या फिर घर से नाश्ता पैक करके लेकर चलें. राजगीर पहुंच गए थे. सो इट टुक अस 3 आवर्स टू रीच राजगीर. रोड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसलिए हमने सारा पार्ट बहुत इजीली कवर कर लिया एंड वी वर स्टिल फीलिंग फ्रेश व्हेन वी रीच राजगीर. सो हम डायरेक्टली गए शांति स्तूप. हम लोग अभी एंट्रेंस पॉइंट पे हैं. यहाँ से बिल्कुल शांति स्तूप पे जाने का रास्ता है और वहीं पे रोप वे है. ऊपर जाने के लिए 2 ऑप्शन, रोपवे और पाथवे. अगर आप पूरा राजगीर एक दिन में ही कवर करना चाहते हैं तो रोपवे विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी, बट अगर आप आराम आराम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन यू कैन टेक द पाथवे. द रोपवे विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टू रीच टू द टॉप और अगर आप सुबह सुबह नहीं गए हैं और पीक आवर्स में गए हैं तो अराउंड 30 मिनट्स का आपको वेटिंग टाइम मिल सकता है. रोपवे से जाना है तो 80 रुपीज की टिकट है. हम लोग रोपवे से नहीं जा रहे हैं. हम लोग स्टेयर्स ले रहे हैं ऊपर शांति स्तूप तक जाने के लिए क्योंकि हमें हाइट फोबिया है, सो वी आर नॉट टेकिंग द रोप वे. और पास में से हमें लगा 1 घंटा ऊपर पहुंचने में. हो गई है. और जितना ही फॉग था अभी उतनी धूप है. अगर आप यहाँ पर इस मौसम में आ रहे हैं तो जितना आप सवेरे चलेंगे उतना आपके लिए बेटर है. अगर आपको धूप अवॉइड करना है और कैप लेके आए. यस, और मे बी एन अम्ब्रेला. जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दिसंबर इज लाइक द बेस्ट. उस समय राजगीर महोत्सव भी होता है यहाँ पर, सो दैट्स द बेस्ट टाइम टू कम. राजगीर में आपको बहुत कोई फाइन लाइन रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा तो आप लोकल फूड जॉइंट्स भी ट्राई कर सकते हैं. हम लोग जिस होटल में रुके थे उनका अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट था बट द फूड वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव तो हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं. हम लोग यहाँ पे अम्बेडकर चौक पे खड़े हैं और हम लोग अब डिनर करने जा रहे हैं. हमें बहुत जोर से भूख लगी है तो
सिंस वहाँ पर टांगा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आने जाने के लिए, तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको काफी आसानी होगी। हमने डे वन में सिर्फ एक ही जगह कवर की थी बिकॉज वी गॉट वेरी टायर्ड बिकॉज वी टुक द पाथवे। पर अगर आप एक ही दिन में सारा कुछ कवर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं राजगीर में और कौन कौन सी जगह है दैट यू कैन कवर एंड एक्सप्लोर। जो रास्ता है वो अराउंड 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ सिर्फ टांगे से जाया जा सकता है, कार्स अलाउड नहीं है। आने जाने दोनों का किराया 100 रुपीज पर पर्सन है। अगर आपको बोट राइड करना है तो आपको प्रॉपर टाइम लेके आना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ी झील है। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। हाँ, अभी एटलीस्ट हम लोगों को किंग फिशर दिखा जो कि सुंदर ब्लू ब्लू कलर का था। हम लोग आए हुए हैं चैरियट व्हील मार्केट। यहाँ पर एक्चुअली एक साथ काफी चीजें हैं आसपास में ही तो मिस हो सकती है, इसके थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड्स हैं, चैरियट व्हील है, देन देयर इज गिरी पर्वत, हाँ, और एक वॉल भी है जो कि बोलते हैं कि बहुत पुराना वॉल है। ये हो गया कृष्ण भगवान का रथ का निशान। इसी में की तो कृष्ण भगवान लेकर आया था जलासेन भीम का। इसी में की तो मलजुट हुआ था। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक सर्टन लिपि है जो कि महाभारत के टाइम की लिपि है और इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है अभी तक कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कोई पढ़ लेगा तो स्वर्ण भंडार जो है यहाँ पर वो खुल जाएगा और उसके अंदर जो भी खजाना होगा। हम लोग मनियार मठ में आ गए हैं जो कि मणिनाग का मंदिर है यहाँ पर नीचे। हम लोग अभी स्वर्ण भंडार में आए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गोल्ड है, कहीं तो खजाना है जो अभी तक मिल नहीं पाया है किसी को as usual। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ हम लोगों ने चैरियट मार्क देखे वहाँ जो लिपि है अगर उसको कोई डिसाइफर कर ले तो एक्चुअली इस स्वर्ण भंडार का, इस खजाने को खोलने का या उसको पाने का रास्ता हो सकता है। वापस से खाना वाना खा के थोड़ा फ्रेश होकर निकले हैं बाहर और ये जापनीज टेम्पल है जिधर हम लोग आए हैं।
लोग विराजन म्यूजियम के कैंपस में खड़े हैं, ऑल्दो अंदर में फोटो लेना या वीडियो लेना प्रोहिबिटेड है, बट हमने सोचा कि एटलीस्ट हम लोग आपको दिखाएं कि बाहर से ये म्यूजियम कैसा है। हाँ, क्योंकि कैंपस एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। राजगीर डजंट हैव फैंसी कॉफी शॉप्स, तो अगर आप कॉफी लवर हैं और आपको बहुत अच्छी कॉफी पीने का दिल कर रहा है तो आप वहाँ गार्गी ग्रैंड होटल में जरूर जाएं। वहाँ पर उनका जो कॉफी शॉप है वो 24 आवर्स खुला रहता है। इवन वी वेंट देयर एंड हैड अ गुड कप ऑफ कॉफी। हमारा लास्ट प्लान है इधर, और हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड है, हम लोग एक नए जगह पे आज कॉफी भी ट्राई करने जा रहे हैं, सो वी विल टेक यू गाइस अलोंग और देखते हैं वहाँ का कॉफी कैसा है। हमें राजगीर के ट्रिप में टोटल कॉस्ट 3,000 rupees पर पर्सन पड़ा, इंक्लूडिंग द पेट्रोल कॉस्ट। वी ट्रैवल्ड बाय आवर ओन कार। वैसे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एसी बसेस भी हैं और ट्रेन्स भी अवेलेबल है राजगीर जाने के लिए। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए वहां के गवर्नमेंट ने भी ये इंश्योर कर रखा है कि लोग टांगा यूज करें टू प्रमोट लाइवलीहुड। जहाँ तक एकोमोडेशन की बात है, राजगीर में आपको काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस मिलेंगे। हाउएवर, अगर आप कोई अच्छे होटल की तलाश में हैं तो मेक श्योर कि उसकी बुकिंग आप पहले से कर लें। 6:00 in the morning, good morning, good morning and we are leaving back to Patna. तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, बट आप घर पे ही रहें, बाहर तभी निकलें जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, और अपना हाथ वॉश करते रहें एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। वी रियली होप कि जब आप अपना नेक्स्ट राजगीर ट्रिप प्लान करेंगे तो हमारे इस वीडियो के जो टिप्स हैं यूजफुल रहेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर। बाय।